दो चार बातें बिल्कुल सफाई से कहूँगा, मैं तो कहूँ कि आप समझें और सुने। जहनी तौर पर लोग परेशान हैं, मुसलमान खासतौर पर, और जाहिर बात है कि आप लोग मुसलमानों का खुलासा हैं या उनके नुमाइंदे हैं, तो आप इस बारे में अपने आप को ज़्यादा जिम्मेदार भी समझते हैं और परेशान भी होते हैं हालात से। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल हमारे तलबा के सामने ये रहता है कि हम क्या करें। एक बात मैं और बात रोक कर दूं कि जो बात भी कही जाएगी उसके बारे में आप ये यकीन रखें, हमसे कुछ आता वाता पेशेंट नहीं है, लेकिन गुरुओं से समझ कर और कुरान हदीस से को जितना जाना है अब तक, उसको सामने रखकर जो सही समझा है वो आपसे कहेंगे और खैरकारी की बुनियाद पर कहेंगे। कसम खा रखिए क्या खैरकारी करेंगे उसके अलावा नहीं करेंगे, ये पक्की बात है, इसका आप यकीन करें। और ये भी आपसे कहेंगे कि आप इतना जरूर जहन में रखें कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद है, काली है, हमारी दाढ़ी सफ़ेद है, यानी मतलब ये है कि तजर्बा भी हमारे पास ज़्यादा है। तो उम्मीद यही होगी कि जो हम आपसे कहेंगे वो आपके लिए फायदे की बात है। कहना ये है कि हालात से परेशान हैं और सोचते हैं कि हम क्या करें, तो एक बात ये समझ लें कि हालात सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं सारी दुनिया के खराब हैं, पूरी दुनिया और ख़ासतौर से मुस्लिम मुल्कों में, और वो सब खराबियां हैं जो यहाँ भी पाई जाती हैं, यानी वो मुश्किलात दीनी काम करने में रुकावटें या शरीयत पर अमल करने में मुश्किलात, वो सब पाई जाती है। उसकी तफसील में जाकर तो मौजू बहुत सारे मौजू आ जाएंगे, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, दो चार बातें भी अगर मैं कहूँ तो मौजू बदल जाएगा, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत कुछ है। उधर मैं ये नहीं कह रहा कि जन्नत, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी जन्नत नहीं है हालात के अतबार से। तो हालात हैं सब जगह है, और ये भी कुछ पता नहीं है कि आने वाला वक्त क्या हालात लेकर आ रहा है, जाहिर है गैर को कौन जानता है। मुश्किलात के आसार हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद हमें जो कुरान और हदीस से रास्ता मिलता है वो ये है कि हम अपनी शरीयत या अपने दीन के अहकाम पर हर हाल में कायम रहें। हम मुसलमान हैं और हमारे साथ अल्लाह ताला का ये मामला है कि हमें मैदान जिहाद में, बल्कि आसान लफ्ज़ बोलो जंग की हालत में भी पाबंद किया गया है कि शरीयत के उसूल से हटना नहीं। जाहिर है कि उस वक्त में तो कैफियत अलग होती है, लेकिन हमें मुकल्लफ किया गया कि अगर कोई माजूर आदमी है उसे कुछ नहीं कहना है, कोई औरत है उसे कुछ नहीं कहना है, जंग की हालत। आप पूरी तफसील पढ़े हुए हैं फिक्र की किताबों में, इससे मालूम होता है कि हम हर हाल में शरीयत पर चलने के मुकल्लफ हैं। तो आप क्या करें, पहली बात तो ये है जो मैं बार बार कहता हूँ कि अभी आप सिर्फ पढ़ें, आप अगर पढ़ने के अलावा किसी काम में लगेंगे तो आप यकीन करें कि आगे जो आपको करना है वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, इसे हमेशा याद रखें, इज़ा कुंत फ़ी अम्रिन फ़कुन फ़ी, जब तुम किसी काम में मशगूल हो तो उसी में रहो। यानी मतलब यह है कि एक वक्त में एक काम, दो काम नहीं, आपका काम है पढ़ना तो आपको पढ़ना है, जब तक आप कॉलेज में आप और कोई काम अपने जिम्मे ना समझें, ना मुल्क के हालात को ठीक करने का काम, ना मुसलमानों के हुकूक वसूल करने का काम, ना अपने लिए रोजगार का काम, माश का बिल्कुल सफाई से सुन लें, इनमें से कोई भी काम आपके हिस्से में अभी नहीं है, इसलिए कि आपका काम पढ़ना है तो आप पढ़ें। और फिर हम आपको यकीन दिलाएंगे कि अगर आप ये काम सही कर लेंगे, पढ़ने का काम जो अभी आपके काम है, तो आगे जितने कामों की जिम्मेदारियां आप पर आएंगी वो आप आसानी से सही कर लेंगे। आप जरा इसको मिसाल से समझें, हमारे जो अकाबिर गुजरे हैं, अकाबिर के लफ्ज़ से आजकल
बहुत से हमारे अजीज भी घबराने लगे हैं बोलने से, नहीं? इसलिए कि आजाद जहन रखने वालों ने इस लफ्ज का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि अकाबिर परस्त लोग हैं, गैर मुकल्लिदीन हैं, जमात इस्लामी के लोगों ने हमें के ताने दिए, इसलिए अकाबिर परस्त लोग हैं, और गैर मुकल्लिदीन ने तो जुल्म की इंतहा की है कि जो बातें मुशरिकीन के बारे में कही ظالموں سے کوئی پوچھے کہ جو بتوں کے لیے کہا جا رہا ہے وہ علماء امت کے لیے تم نہ ہو؟ مشرکین اپنے بتوں کے لیے کہہ رہے ہیں، اپنے بت پرست آبا و اجداد کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ہم اتباع کرنے کی بات کر رہے ہیں ان علماء کی جو شریعت مجسم شریعت ہے، مجسم علم ہے، ان کے اتباع پر وہ آیتیں فٹ کرتے ہو تو یہ موضوع بدل جائے گا، ورنہ میں اس پر اور بھی کہتا، لیکن آپ یقین کریں کہ اپنے بڑوں کی رائے پر چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکابر پرستی ہو رہی ہے یا بے تقلید ہو رہی ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں وہ ہمیں بڑوں کی رائے سے ہٹا کر چھوٹوں کی رائے پر لانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا فرق ہے؟ عجیب و غریب یہ ذہن ہے، یہ مزاج، اور پھر ایک بات اور سن لو، یہ آزاد فکری کی دعوت دینے والے اپنے اپنے لیڈر کے سلسلے میں پوری طرح ذہن گرابی کے شکار، یہ میں اس کی تفصیل ابھی نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، میں موضوع چھڑتے جا رہے ہیں، اشارے کر رہا ہوں، العاقل تکفیر اشارہ، اب تو ماشاء اللہ ہم لوگ عاقل بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، تو آپ سمجھتے جائیں میری باتوں کو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو دوسروں پر طعنے کستے ہیں کہ یہ صاحب ذہنی غلامی کرتے ہیں، یہ خود ذہنی غلامی کے سب سے بڑے شکار ہیں، ہم اگر غلامی کرتے ہیں تو ہم ایک شخص کی نہیں کرتے، ہم امام ابو حنیفہ سے لے کر حضرت مدنی تک سینکڑوں علماء کی غلامی کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایک ایک شخص کی ذہنی غلامی میں مبتلا ہے، اس کی وضاحت جب چاہو مجھ سے پوچھ لیں، تو ہمارے سامنے جو اکابر ہیں اور وہ اکابر وہ علماء آج کل کے مولویوں کی طرح کٹپوچی نہیں ہیں، ان کے پاس علم کی گہرائی بھی ہے، گہرائی بھی ہے، قرآن و سنت کا ہے، ان کے پاس جتنا وسیع اور گہرا علم ہے اور گہری بصیرت ہے اس کی کوئی مثال آج کل کے زمانے میں آسانی سے نہیں ملے گی، میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کر رہا، میں مولانا قاسم نانوت بھی، مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت شیخ مرید، مولانا خلیل احمد سارتپوری، حضرت تاکی، حضرت مدنی، علامہ کشمیری، ان سب کی بات کر رہا ہوں، ان کی مثالیں نہیں، تو ان حضرات نے کیا کیا ہے، میں وہی واپس جاتا ہوں، پڑھنے کے زمانے میں صرف پڑھا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا ہے، جو کام سامنے آیا وہ کام اعلیٰ معیار پر کیا، اس زمانے میں تو تکمیلات بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، دورے تک پڑھتے تھے، دورے تک ہی اس انداز سے پڑھ لیتے تھے کہ جب ان میں سے کسی کو مفتی بنانے کی ضرورت پیش آئی تو مفتی عزیز الرحمان بن گیا، حضرت خانوی بن گیا، مفتی کفایت اللہ بن گیا، کیسے کیسے مفتی، وہی دورہ پڑھے ہوئے لوگ، اور جب حدیث پڑھانے کی ضرورت پیش آئی تو علامہ کشمیری بن گیا، حضرت مدنی بن گیا، اور جب صاحب کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش آئی، کسی نے مشق نہیں کی مضمون لکھنے کی، لیکن چونکہ صحیح پڑھ لکھا تھا لہٰذا حضرت خان بھی بن گیا، اور کون کون بن گیا، کس کی بات کتاب میں چلے جائیں، اور جب قیادت کی ضرورت پیش آئی تو کوئی ڈیوٹی کی مشق نہیں کی تھی پڑھنے کے زمانے میں، پڑھنے کے زمانے میں صرف پڑھا تھا، لیکن شیخ الہند بن گئے، حضرت مدنی بن گئے، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اپنے وقت میں جو کام ہے اسی کام کو کریں، اس کے علاوہ کسی کام میں نہ کریں، اور اسی کے جزیات کے طور پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں، آج کل کے حالات ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آتا ہے، آپ جوان ہیں، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے، غصہ ہمیں آپ سے کم نہیں آتا، بات آپ یقین دلا دیں، لیکن آپ کے پاس ضبط کا پیمانہ ابھی کمزور ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کسی بھی سال، آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا عالم جو ہے وہ بزدلی سکھا رہا ہے اور بڑا یوں کر رہا ہے، بڑا وہ کر رہا ہے، آپ ہمیں بتائیں ایمانداری سے، اس بزدلی کی جگہ اگر آپ والی بہادری اختیار کی جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ مسلمان کی نظر تو نتیجے پر ہونی چاہیے نا، ایک خاص بات اس کو نقطے کو یاد رکھنا کہ نتیجے کو سامنے رکھو، فوری رد عمل کو نہیں، اور ایک بات اور یاد رکھو،
किसी भी काम के करने के लिए शुरू में मैंने कहा था शरीयत के पाबंद रहो, इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। कोई भी काम आप करें, कोई भी काम करें तो शरीयत की पाबंद तो जरूरी है ना, इसको तो मानेंगे। तो आप कोई भी कदम उठाने से पहले ये मालूम कर लें, अगर आपकी समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो बड़ों से मालूम कर लें कि शरीयत इस जगह मेरी क्या रहनुमाई करती है। यानी मैं साफ कह दूं, साफ कहने की बात यह है कि आपका जी चाहता है कि हम किसी मसले में एहतजाज करें और इंतजाम ये इजाजत नहीं दे रही है, तो आप फतवा पूछ लें अपने दिल से और कुरान और हदीस का जो इल्म आपको है उसी से पूछ लें कि आपके लिए क्या गुंजाइश है। मिसाल के तौर पर समझ लें कि अगर आपके किसी अमल से इदारे को नुकसान पहुंचता है तो क्या आपको हक था वो काम करने का, शरई एतबार से, मैं इंतजामी बात नहीं कर रहा, शरई नुक्ते नजर से वो काम करने का आपको हक है कि जिससे इदारे को नुकसान पहुंचे, नहीं है बिल्कुल। आप मेरे जहन में बीच में ये बात आ गई, आप खुद जब जिम्मेदार होंगे तो पता चलेगा इस मसले का ज्यादा, अभी तो आपको ये होता है कि पता नहीं किस पर आएगी बात, बेफिक्र रहे आप, लेकिन आप यकीन करें एक बात और समझ लें, आपकी तवज्जो की बरकत से बातें जहन में आ रही, एक बात और समझ लें और ये बात पहुंचे तो अच्छा है सबको कि इदारे आसानी से नहीं बनते, लोग बड़ी आसानी से इदारों की मुखालफत करते हैं और कमियों को गिनाते हैं। हम भी मानते हैं कि दूध के घोले हम लोग नहीं हैं, हम मानते हैं कि आज का निज़ाम मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी का निज़ाम नहीं है, आज ये आबिद अशार रफीउद्दीन का निज़ाम नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इदारों को बचाना ये हम सब की ज़रूरत और जिम्मेदारी है। जो हालात हैं उनमें आपके पास अब दोबारा बदल तैयार करने के हालात नहीं है, मौका नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए एक मिसाल के तौर पर है बात कि आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि शरई एतबार से फिकही एतबार से आपके लिए उसमें करने की क्या गुंजाइश है। वो जानते हैं कि अगर किसी आदमी पर आंच आए तो उस आदमी को अपना दिफा करने का हक है, वो शरीयत भी कहती है, वो कानून भी कहता है, हिंदुस्तान का कानून भी कहता है, लेकिन उससे हटकर दूसरे मामलात में ये समझना कि हमें किरदार अदा करना है ये अपनी हदूद से तजावुज है जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती है। इसको अच्छी तरह से समझ के रखें, मिजाज बनाए, मकसद आपको बुजदिल बनाना नहीं है और मकसद ये भी नहीं है कि हालात ठीक ना हो, मकसद ये है कि हालात ठीक हो जहां तक हो सके रहें, जब कभी खुदा ना खास्ता कोई सूरत हाल पेश आए तो हमारे सामने उसकी हिदायतें भी मौजूद है, उसूल भी मौजूद है, उनकी रोशनी में हम काम कर सकते हैं, लेकिन बेउसूल काम करके कानून के खिलाफ काम करके कोई फायदा हम उठा लें यह नहीं हुआ करता। अच्छी तरह से इस बात को और बरल ये जहन में रखें हमेशा कि शरीयत के हुदूद से नहीं आगे बढ़ना है। भाई जाहिर है मकसद तो अल्लाह को राजी करना है ना, अब क्या है, अल्लाह को राजी करने की शर्त है पहले कि आप शरीयत के मुताबिक काम करें, अल्लाह की मदद भी तभी आएगी आपके पास, उससे उसकी हुदूद से तजावुज ना करें। और एक बात और समझ लें, आपके करने का जो काम है, जो काम अभी से भी आप कर सकते हैं और फारिग होने के बाद तो जरूर करना है, वो है अपने मुसलमान भाइयों को मुसलमान बनाने का काम, सबसे ज्यादा जरूरी काम। अभी आपको ज्यादा हालात का पता नहीं है लेकिन जितना आप घुसेंगे आपको अंदाजा होगा कि मुसलमानों का अपना जो किरदार है वो हालात के एतबार से बहुत ज्यादा मरम है। ये यूं कह लो उलट कर, जैसा किरदार है हालात वैसे खराब नहीं है। मुझे ईमानदारी से सोच कर बताओ, किसी मुसलमान को, किसी का मतलब 99% से ज्यादा लोग, कोई कोई मुस्तस्ना होता है, अक्सर मुसलमानों में से किसी को अगर नाजायज तरीके से पैसा कमाने का मौका मिलता है तो सिर्फ इस वजह से कि नाजायज है, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, छोड़ने वाले कितने लोग देंगे तुमने बताओ मुझे, अक्सर मुसलमान नहीं छोड़ेंगे।
किसी मुसलमान को अगर कहीं ताकत हासिल है और वो उस ताकत से नाजायज फायदा उठा सकता है अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मदरसे में, अपने इदारे में, अपनी मस्जिद में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, जहां उसकी चल रही है, तो क्या अक्सर लोग नाजायज फायदा उसका नहीं उठा रहे? किसी को ताकत हासिल है कि वो ना इंसाफी कर ले और फिर भी वो बच जाए, तो क्या वो ना इंसाफी नहीं कर रहा? दो भाइयों की विरासत तकसीम होती है, ताकतवर भाई ज्यादा ले लेता है, कमजोर भाई को कम देता है, क्या ये नहीं होता मुसलमानों? शौहर मजबूत घर का है, बीवी को नहीं संभालता है, बीवी ताकतवर घर की है, शौहर का नाते कबर नहीं कर देती है। मुसलमान दूसरों से ना इंसाफी का गिला करे और वो अपने 5 आदमियों के घर में इंसाफ ना कर सके, क्या करता है? मैं लोगों से कहा करता हूं कि वो जो हाकिम बैठा है उसकी हुकूमत में तो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ आदमी है, लेकिन तुम्हारे घर में, तुम्हारी हुकूमत में 5 आदमी है, तुम अपनी 5 आदमियों के दरमियान इंसाफ से हुकूमत नहीं कर पा रहे। कभी तुम बच्चों के साथ ना इंसाफी करते हो, कभी बीवी के साथ ना इंसाफी करते हो। कितने मुसलमान है, 2 बेटे हैं, 1 बेटे की तरफ झुकाव है, दूसरे से ताल्लुक नहीं, मुख्तलिफ खुशियों से ना इंसाफी औलाद के बच्चा है। जो लोग औलाद में इंसाफ ना कर सके वो अजनबियों से इंसाफ की क्या उम्मीद रखते हैं? शरीयत पर अमल करने की बात है, बड़ी शिकायतें हैं हमें, हमारी शिकायतें गलत नहीं थी। मसलन हुकूमत ने तलाक के मसले में कुरान तब बिल्कुल गलत किया, लेकिन मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि हुकूमत ने तो आज कदम किया है इन तलाक को, तुमने तो पहले से कदम रखा है। क्या बहुत सारे घरों में 3 तलाक देने के बाद रख नहीं रखा है बीवी को और किसे कहते कदम रखे? और आज नमाज के बारे में मसाइल आ रहे हैं सामने, अगरचे वो उतना नहीं है जितना समझा जा रहा है। आम माहौल अभी ठीक है, आम आदमी जो हिंदुस्तान का शहरी है उसे नमाज से कोई परेशानी नहीं है, वो तो खास प्रोग्राम होते हैं कुछ लोगों के इस तरह के मामला उभार में, वरना अभी हम एयरपोर्टों पर सब जगह नमाजें पढ़ रहे हैं। लेकिन जो भी बात सामने आ रही है, मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि तुमने आफियत के जमाने में कितनी नमाज की पाबंदी की है? सोच रहे हो बात, समझ रहे हो? यानी अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने की आसानियां दी, और कैसी आसानियां? तुम में जो लोग नमाज के पाबंद है सफर में, कहना पड़ेगा इसलिए कि अक्सर नहीं सफर, लेकिन जो लोग हैं उनसे पूछो कि किस किस मौके पर नमाज पढ़ी है। मुझे अजीब और गरीब तजर्बे याद है, ट्रेन में हिंदू सामने की सीट पर है, मैं इधर हूँ, मैंने उससे कहा कि आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इधर को बैठ जाए अपनी ही सीट पर, पीछे को मैं नमाज पढ़ूंगा। तो वो उठ के खड़ा हुआ और उधर जाने लगा। मैंने कहा आप बैठे चले कि नहीं, आप आराम से नमाज पढ़ें, और उसके बच्चे साथ थे उनको कहा कि इनको इधर रखना, कोई इधर ना। कलकत्ते के एयरपोर्ट पर हम थे, बोर्डिंग से 25 मिनट पहले मगरिब का वक्त शुरू होना था, और ये अंदाजा था कि अगर मगरिब पहले नहीं पड़ी तो जहाज में देर हो जाएगी, और मुमकिन है मौका ना मिले, चूंकि कभी कभी भीड़ होती है, मौका नहीं होता, जगह नहीं देती। हमारे साथियों ने कहा कि बात करें, मैंने कहा बात करें, बोर्डिंग वालों से बात की कि हम 6:20 पर नमाज का वक्त होगा, 21 पर और 45 पर बोर्डिंग है, 3 मिनट हमें लगेंगे नमाज पढ़ने में, उसके बाद हमारी बोर्डिंग करा दें आप। उन्होंने कहा ठीक है, कोई अर्ज नहीं। उनके सामने चादर बिछा कर जल्दी से अजान पढ़ के 3 रकात पढ़ी और हम अंदर गए तो बस खड़ी हुई थी इंतजार में, उसमें 2-4 लोग बैठे हुए थे और हमारा इंतजार। ये हिंदुस्तान ही में अभी चंद साल पहले की बात है। एक दफा तो ऐसा हुआ कि हैदराबाद में खालीबन जहाज रुका और वहां से स्टे करके उसी जहाज से आगे बढ़ना था, लेकिन देर हो गई तो उसका दरवाजा खोल दिया गया। मैंने नीचे उतर के जहाँ फोटो भी लेने की इजाजत नहीं, खड़े होने की भी इजाजत नहीं, वहां पास पड़ी, किसी ने कुछ नहीं कहा। दिल्ली से मैं चला एक मरतबा बस में बैठ गया और असर की नमाज पढ़कर बैठा। जब बस चली तो मैंने देखा कि मगरिब में बहुत मिनट हुआ। मैंने ड्राइवर से कहा कि अब कहाँ रुकेगी? उसने कहा कि अब तो क्यों, क्या बात है? मैंने कहा मुझे नमाज पढ़नी है और 4 घंटे के बाद पढ़नी है, अभी नहीं। तो उसने कहा अब तो लंबी चलेगी बस। तो मैंने कहा कि वैसे तुम्हारी बस में भी जगह है, यहाँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन चलती बस में पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसने कहा कि जब आपको नमाज का वक्त
चलने का ग्रुप उनका वक्त हो गया और बस का रुख भी ऐसा हो गया गाजियाबाद के वाले रोड पर कि हम उधर घूम करके नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैंने मुसल्ला उठाया और मैं खड़ा हुआ। जैसे ही मैं खड़ा हुआ फौरन ड्राइवर ने महसूस कर लिया और उसने कहा कि हो गया आपका वक्त। मैंने कहा जी हाँ। तो उसने रफ्तार कम कर दी, मैंने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने शुरू की, नियत बांधी। तो बस चलने की वजह चल रही थी, हल्की चल रही थी लेकिन चल रही थी, इसलिए मेरा बदन हिल रहा था थोड़ा, सीधा मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो पीछे से आवाज़ आई कंडक्टर की, जिससे मैंने कोई बात नहीं की थी। कंडक्टर की आवाज़ आई, भाई गाड़ी रोको नमाज पढ़ रहे। उसने गाड़ी रोक दी और मैंने आराम से नमाज पढ़ी और नमाज के बाद मैंने शुक्रिया का इशारा किया लोगों को, किसी ने कोई इतराज़ नहीं, सारे मुसाफिर बैठे थे, तीन चार मिनट लगे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये आसानियाँ थी। अब अगर ये आसानियां कम हो रही हैं तो मुसलमान बताएं क्यों कम हो रही है? दुश्मनों की साजिशों से नहीं कम हो रही है, बल्कि ये बात, ये जुमला याद रखो और मुसलमानों को पहुंचाना ये बात कि शरीयत पर अमल करने की आसानी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आसानी, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। और अल्लाह की नेमत की जब नाकदरी होती है तो नेमत वापस भी ली जाती है। डरते डरते कहते हैं लेकिन कहे बगैर चारा नहीं है। जहाँ भी शरीयत पे और पाबंदी में रुकावटें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि हमने आसानी के ज़माने में शरीयत पर पूरा अमल करने की कोशिश नहीं की। तो अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ से, अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है हमारी नमाजों की या किसी भी चीज़ की। तो मेरे भाइयों, आप लोग मेहनत करें अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने महल्ले वालों पर, अपनी बस्ती वालों पर, इन मुसलमानों को मुसलमान बनाओ, वरना पता चला कि तुम तो झंडा लेके निकल खड़े हुए और पीछे तुम्हारे को भी निकलने वाले उधर चल पड़े। नहीं जानते हो ये बात, इस हिंदुस्तान में जाने किस किस इलाके में जाकर अलग अलग इलाकों में दो ऐब, दो बीमारियां, दो मुसीबतें मैंने हर जगह पाई, अपने इलाके में पाई है। अस्पात में जा जाकर लोगों से, मेरी आदत है, मैं बहुत पुरजोश बयान व्यक्त नहीं करता हूँ, बातें करता हूँ समझाने वाली, लेकिन हालात मालूम करता हूँ लोगों से। छोटे छोटे कस्बों में यह हाल है, हमारे इलाके में मुझे मालूम है मुतय्यन तौर पर, एक कस्बे में 10,000 घर है, 50,000 की आबादी है, 5,000 घरों में सूदी कर्जा आ रहा है, 6,000 घरों में सूदी कर्जा आ रहा है। और हर जगह तुम में से बहुत से लोग सही ला रहे हैं, तुम्हारे इलाकों में हो रहा होगा। और ये बिजनौर और ये सहारनपुर और ये मुजफ्फरनगर को छोड़ो, यहाँ से चलो, मैं तिरुपति गया, आंध्रा का समंदर के करीब का इलाका, वहां मैंने पूछा, वहां भी यही हो रहा है, मेवात में ये हो रहा है, बम्बई में ये हो रहा है, जाने कहाँ कहाँ हो रहा है, तमिलनाडु में ये हो रहा है। तमिलनाडु को हम समझते हैं कितने अच्छे हालात है मुसलमानों के, सूदी कर्जे में बहुत से गरीब मुसलमान बने पड़े। एक तो ये ऐप पाए और एक ऐप वो जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, मुखबिरी का है। मैंने मुंबई में एक दफा बयान करते हुए इसको कह दिया कि अजीब बात है कि बहुत से मुसलमानों का जरिए माश ये बन गया है। तो नंबर बयान के बाद एक साहब कहने लगे कि आपको कष्ट होता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि ये यहाँ बहुत होता है जो आपने कहा था। तो मैंने कहा मुझे कष्ट नहीं होता, लेकिन बात यह है मुसलमानों के हालात का मुझे अंदाजा है। मैं जगह गया एक गाँव में, यहाँ करीब में लोगों ने कहा कि यहाँ 70-75% मुसलमानों की आबादी है। मैंने कहा प्रधान कौन है? 70-75% मुसलमान है तो सवाल मकान के बारे में होना नहीं चाहिए ना, मुसलमान ही होगा। लेकिन मैंने सवाल किया मकान कौन है, तो एक आदमी चौंका और कहने लगा इसका मतलब है कि आपको हमारी बिरादरी का मिजाज मालूम है। मैंने कहा मुझे तो आपकी बिरादरी का भी पता नहीं, बिरादरी क्या, लेकिन मुझे मुसलमानों का मिजाज मालूम। तो उसने कहा मैं मुस्लिम पढ़ता, बस यही कहना, इसी पर तो मुसलमानों का मिजाज जाना। तो मुझे आपसे ये कहना है कि आप अपने आप को वक्त से पहले जाय करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपना इल्मी एतबार से अपने आप को मजबूत करें और अपने अमल को भी ठीक करें। ये बात याद रखें कि इल्म बगैर अमल के बेकार है। हकीकत यह है कि इल्म नाफे वही है जो अमल के साथ। मुझे बात खत्म करनी चाहिए, देर हो गई है, लेकिन चूंकि अमल की बात आई है तो मैं ये कहूँ मुसलमानों के लिए जो सीधा रास्ता है और उलमा के लिए खासतौर से सीधा रास्ता, वो इत्तिबाए सुन्नत का रास्ता है। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लामा बरियावी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने
नसीहत के लिए कहा फारिग होकर जब जा रहे थे उनके साथ, तो हजरत ने फरमाया था तीन नसीहतें की थी। एक तो ये कहा कि कोई भी किताब पढ़ाओ फन देख कर पढ़ाना इल्म आएगा, यानी ऐसा नहीं कि बस किताब की शरह देखनी बस, बल्कि उस फन का मुताला करो। दूसरे तलबा को औलाद समझना मोहब्बत में रहेंगे, और तीसरे सुन्नत का इत्तेबा करना इज्जत मिले। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हर सुन्नत के साथ महबूबियत की एक मिकदार जोड़ दी है, इसलिए कि सुन्नत नाम है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का, तो हुजूर महबूब है तो उनका तरीका भी महबूब होगा, लिहाजा उनके हर तरीके के साथ महबूबियत की एक मिकदार, पता नहीं किसका कौन नकल करते हैं, महबूबियत की एक मिकदार जुड़ी हुई है। जो आदमी जितना ज्यादा सुन्नत पर चलता है उतना ही ज्यादा वो महबूब बन जाता है। यही राज होता है कुछ लोगों की ज्यादा मकबूलियत का और महबूब। उसके लिए जमीन में मकबूलियत रख दी जाती है। इसकी बहुत सारी नजीरें मिसालें हमने देखी है। इत्तिबाए सुन्नत जो है हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि इत्तिबाए सुन्नत के सात कदम है, उनके अपने मजामीन होते हैं, उसमें से शुरू के तीन आपका उसमें बयान करता हूँ। चार जो अकीदे हैं वो तसव्वुफ है खालिस। पहला मरहला उन्होंने कहा अपने तमाम जाहिरी अमाल को सुन्नत के मुताबिक बना लो, जाहिरी तमाम अमाल, सिर्फ लिबास नहीं, सिर्फ दाढ़ी नहीं, बल्कि अपनी बोलचाल भी, रफ्तार भी, गुफ्तार भी, मामलात भी, खरीद व फरोख भी, शादी ब्याह भी, रहना सहना भी, मुआशरत भी, जो भी सब जाहिरी अमाल उन सबको सुन्नत के ताबे बना लो। दूसरा कदम यह है कि अपने बातिनी आमाल को यानी दिल के आमाल को सुन्नत के मुताबिक बना लो, और तीसरा कदम यह है कि अपने आमाल की कैफियत भी सुन्नत के मुताबिक बना लो। जब ये चीज़ हासिल हो जाएगी तो महबूबियत का आला दर्जा होगा और आपकी शख्सियत में नाफियत होगी। हमेशा ये बात याद रखना, अगर अपने इल्म के दर्रे में रहोगे, इससे बचना हमेशा, इल्म आ जाता है तो बाद बच्चों को पढ़ाई पैदा हो जाती है तो वो बेचारे बस अपने ख्याल में हमेशा बड़े रहते हैं, हकीकत में हमेशा छोटे रहते हैं। ये हमेशा याद रखना कि तकब्बुर के साथ हकीकी इज्जत नहीं मिलती है। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं काबिल हूं। नाफिर इल्म वो है कि आपसे लोगों को दीनी फायदा पहुंचे। मैं तो उलमा से कह देता हूँ, आप तो अपने अजीज और तलबा हैं, उलमा में कभी कभी बात करने का मौका मिलता है तो मैं तलब उलमा से कहता हूँ कि आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आपसे वो फायदा क्यों नहीं पहुंचता। हमारे जलसे होते हैं, कितने बड़े बड़े जलसे होते हैं, क्या देखा है हमें कि किसी जलसे को सुनने के बाद, तकरीर सुनने के बाद, जबकि जलसे में उलमा बड़े बड़े आते हैं बयान करने, वो कलीली बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या जलसे के बाद देखा है कि कुछ बेनमाजी नमाजी बन गए हों, कुछ झूठ बोलने वालों ने झूठ बोलना छोड़ दिया हो, कुछ लोगों ने जो हराम कमाते थे हलाल कमाई का इंतजाम करना शुरू कर दिया, देखा है ये फायदा होता है नहीं होता, मुझे मालूम है नहीं होता, एक मुद्दत तक मुझे खुद तजर्बा है इसका, लेकिन कुछ लोगों के बात करने से फायदा होता है, जिंदगियां बदलती हैं, गुनाह छूटते हैं, अमल का जज्बा पैदा होता है। तो फर्क क्या है, मैं उलमा से कहा करता हूँ आपने दिमाग पर मेहनत कर रखी है तो लोगों के दिमाग तक आपका फायदा पहुँचता है, आप तकरीर करते हैं उनका जहन सही होता है, आप सही अकीदा बयान करते हैं अकीदा सही हो जाता है, आप सही मसला बताते हैं मसला सही मालूम हो जाता है, सोचने का अंदाज सही होता है, लेकिन दिल पर मेहनत नहीं हुई तो दिल नहीं बदलता, जहाँ मेहनत होती है वहीं तासीर पहुँचती है। तो इसको हमेशा याद रखना और ये पहलू अपनी ज़िंदगी का मजबूत बनाने की अभी से कोशिश करना, इंशाल्लाह नाफे और आलि वही है जिसकी शख्सियत नाफे हो। और रोजी रोटी के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा कमाने का इरादा ना करें, हलाल कमाने का इरादा करें। एक लफ्ज़ हमेशा याद रखना, शरीयत और गैरत को पैसे के लिए कभी कुर्बान मत करना, समझे बात, शरीयत को भी यानी हलाल और हराम की तमीज़ ही ना हो ये नहीं, मुश्तबा से भी बचना और अपनी गैरत के खिलाफ भी मत करना, तुम आलिम हो तुम्हारी शान से खटाकर तुम्हें दिया जाए नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए अपने आप को
काबू में रखोगे तो शुरू में थोड़ी सी तंगी महसूस होगी और उसके बाद अल्लाह की तरफ से फराकत भी मिलेगी, फराकत का मतलब कुशादगी भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। आलिम के लिए इस्तेना का मिजाज बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर उसको इज्जत नहीं मिलती। और रिस्क के बारे में हमेशा याद रखो, वो मुकर्रर है, वो मुकद्दर है, वो मकसूम है, उसको ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहुम्मा को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने नसीहत लिखी थी, या गुलाम मुअल्लिमों का कलिमा थी इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अब तर्जुमा भी नहीं करूँगा, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका। इहफ़ज़िल्लाह का मतलब है अल्लाह के हुदूद और अहकाम की हिफाजत करो, पाबंदी करो, अल्लाह को अपने सामने पाओ। और फरमाया वअलम अन्नल उम्मत लम इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लका, जो मुकद्दर है वही फायदा पहुंचेगा चाहे सब लोग पहुंचाना चाहे। वलम इज्तमअत अला अन यदुरूका बिशैइन लम यदुरूका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैका, लोग नुकसान पहुंचाना चाहे तो वही नुकसान पहुंचेगा जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होगा। जब फदिल अक़लाम व रुफ़िअतिस सुहुफ, कलम खुश्क हो चुके हैं लिखकर और ज़हीर उठाए जा चुके हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, इंशाअल्लाह फायदा होगा। इंतशार ज़हरी से हमेशा बचो, कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम करो और हज़रात अकाबिर रहमतुल्लाह के हालात को पढ़ो, उम्मत के उलमा के हालात को पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि किस वक्त में क्या काम करना सही तरीका होता है और सही रास्ता क्या है। अल्लाह मुझे और तुम्हें भी इन चीज़ों की फहम और समझ अता फरमाए और हम सब का अंजाम बेहतर।